आज मैं लेकर आई हूँ सूजी का हलवा बनाने का बिल्कुल नया और आसान तरीका। इस तरह से आप सूजी का हलवा अगर बनाएंगे ना, तो सूजी का हलवा खाने में इसका डबल टेस्ट आ जाएगा। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे ली है मैंने 1 कप सूजी। 1 कप सूजी में मैं डाल रही हूँ 1 कप दूध। हम यहाँ पे दूध वाला हलवा बना रहे हैं, तो दूध को डालकर हम अच्छे से मिक्स कर देंगे सूजी के साथ, और इसको हम ढककर करीबन आधे घंटे के लिए रख देंगे। तब तक हम क्या करेंगे, दूसरे तरफ एक सॉस पैन रख देंगे, इसमें हम डाल देंगे 1 कप चीनी। जितना सूजी लिया है उतना ही मैंने चीनी लिया है यहाँ पे। आप ज़्यादा मीठा चाहते हैं तो और 1/4 कप भी ले सकते हैं, इसमें ऐड कर सकते हैं। फिर मैंने यहाँ पे डाल दी है 5 कप पानी। 5 कप पानी डालकर मैं इसको इस तरह से पकाऊंगी, और जब ये जो चीनी मेल्ट हो जाए तब हमें गैस की फ्लेम को ऑफ कर देना है। यहाँ पे हमें 1 या 2 तार की चाशनी नहीं बनानी है। अब यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई को गर्म कर ली है, इसमें डाल देंगे छोटा चम्मच से 1 चम्मच घी। फिर यहाँ पे मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए जैसे कि बादाम और काजू। काजू और बादाम को हल्का सा सुनहरा होने तक भून लेंगे, फिर हम इसको घी से निकाल देंगे। फिर सेम कढ़ाई में हम यहाँ पे डाल देंगे चम्मच से 2 चम्मच घी, और यहाँ पे ये जो सूजी है अच्छे से फूल चुका है, तो इस सूजी को हम यहाँ पे डाल देते हैं तेल में। तेल में डाल के हम तो सूजी को हम इस तरह से भून लेंगे। जब हम इस तरह से सूजी का हलवा बनाने, तो ये खाने में डबल टेस्ट हो जाता है। आप भी जरूर से बना के तैयार कीजिएगा। तो इसी तरह से जैसे हम सूजी को भूनते जाएंगे, ये जो सूजी है ये अपने आप ही इस तरह का दिखने लग जाएगा। ये बहुत ही अच्छी तरह से हमें सूजी को भून लेना है। जब हम सूजी को इस तरह से भूनेंगे तो यहाँ से बहुत ही अच्छा एक महक आने लग जाएगा, स्मेल। तो ये आप देख सकते हैं सूजी थोड़ा फ्लफी लग रहा है, तो ये भून चुका है। और अब हम इसमें डाल देते हैं चाशनी जो मैंने बनाई थी। चाशनी को डाल देंगे और सूजी को अच्छे से मिक्स कर देंगे, नहीं तो सूजी नीचे से फिर कढ़ाई में चिपक जाएगा। तो इसी तरह से सूजी में उबल आना शुरू हो गया है। हम सूजी को इस तरह से चलाते रहेंगे, अब थोड़ी देर के लिए सूजी को छोड़ देंगे, फिर थोड़ी देर बाद चलाएंगे। इसी तरह से हम सूजी को पकाएंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, इससे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो इसी तरह से मैंने सूजी को चलाते हुए पकाई है, सारा पानी सूजी ने सोख कर लिया है। अब सूजी कुछ इस तरह का दिखने लग गया है। जैसे ही पानी सूख जाता है, सूजी में से जो घी है वो निकलने लग जाता है। अब हम इसमें डाल देते हैं ड्राई फ्रूट्स, और ड्राई फ्रूट्स डाल के हम इसको भून लेंगे फिर से। सूजी का इस तरह का हलवा बहुत ही रसीला होता है, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। ये जो सूजी का हलवा है बनके बिल्कुल तैयार है। ये आप देख सकते हैं कितना रसीला हलवा हमारा बनके तैयार है, बहुत ही आसानी से, बहुत ही झटपट से बनके तैयार है। तो अब मैंने अब गैस की फ्लेम को कर दी है ऑफ ऑफ। तैयार है हलवा बिल्कुल सर्व करने के लिए रेडी। आप भी बनाइए और एंजॉय कीजिए। सूजी का नए तरह का हलवा खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।